सारी बीमारियों का एक प्रमुख कारण दिखाई पड़ता है मोटे तौर पर, वो क्या? कामना। कामना वैसे तो तीन बलवान माने गए हैं, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। अर्जुन इन तीन दोषों को छोड़ दे, बस आनंदमय हो जा। काम क्रोध लोभ, इसी के सब बाल बच्चे हैं, बाकी आगे वाले ईर्ष्या द्वेष जो भी है। तो ये काम क्रोध लोभ तीन का कुछ संबंध है क्या? तीनों अलग अलग है? नहीं, संबंध है। कामना पैदा हुई आपको कोई भी संसार संबंधी, तो कामना पूरी हुई तो लोभ आया, दूसरा दोष। कामना नहीं पूरी हुई, क्रोध आया, दूसरा दोष। यानी क्रोध और लोभ कामना पर डिपेंड करते हैं। कामना कम तो उसकी पूर्ति और उसके अपूर्ति भी कम, तो क्रोध लोभ भी कम। कामना अधिक बनाया तो पूर्ति होगी, तो न पूर्ति हुई तो मरे। अब दो में एक तो होगा। अगर आप कामना बना लेंगे तो या तो पूरी होगी या तो नहीं पूरी होगी। अब आप फंस गए, पूरी हुई तो लोभ आया, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया, दोनों ओर से आप मरे। कोई भी हो, ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, क्रोध से शक्ति का ह्रास होता है। जितना क्रोध करोगे आत्मशक्ति कम होती जाएगी। तो बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले, बड़ी बड़ी पावर वाले भी माया को नहीं जीत सकते। माया तो भक्ति के द्वारा जब भगवान कृपा करते हैं तब माया जाती है, और जब माया जाएगी तभी काम क्रोध लोभ मोह जाएंगे, उसके पहले इम्पॉसिबल। Despair, sadness, pain, illness. Reduce your feeling of pain and suffering in life. Strengthen your Atma Shakti. Sanatan Vedic Dharma by Jagatguru Kripalu Parishad.